तो अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप इंटर्नशिप और प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए आज के वीडियो में मैं आपके लिए इंटर्नशिप प्लेसमेंट और हेकाथॉन अपॉर्चुनिटी लाया हूं जो है कंपनी की तरफ से जैसे एसेंचल डीशो जॉनसन एंड जॉनसन सिस्को और ऐसी बहुत सारी कंपनी की तरफ से जो करेंटली ओपन है और आपको इसमें अप्लाई कर लेना चाहिए तो हे फ्रेंड्स वेलकम टू लास्ट वर्ड ट्यूशन मेरा नाम सुमेर सिंह राजप्रीत है और आज की वीडियो में मैं आपको आठ अमेजिंग इंटर्नशिप प्लेसमेंट और हैथन अपॉर्चुनिटी के बारे में बताने वाला हूँ एक्चुअली क्या रहता ना हम स्टूडेंट रहते हैं हमें पता ही नहीं रहता क्या ये इंटर्नशिप मिलती कितना है अप्लाई की कहीं रिप्लाई नहीं आ रहा है तो जहाँ पे भी करंटली ओपन अगर वहाँ पर प्रॉपरली अप्लाई करो और प्रॉपर् स्किल्स के साथ अप्लाई करो ना भाई तो इंटर्नशिप मिल सकती है और मैं आपके लिए अलग अलग जगह से ढूंढ के लाता हूँ क्योंकि आपका भाई आपके लिए करता है मेहनत तो आपको क्या करना अगर ऐसी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज चाहिए स्कॉलरशिप की इंटर्नशिप की प्लेसमेंट्स की तो आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हो पे हम लोग रेगुलरली चीजों को पुट करते हैं इसके साथ साथ इस चैनल पे भी हम लोग अलग अलग चीजें डालते हैं तो आप नए हो तो सब्सक्राइब करो ये वीडियो की जो लाइक टारगेट है वो है फिफ्टीन हंड्रेड लाइक तो फटफट -फट वीडियो को लाइक करो और बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले इंटर्नशिप वो है टेकोलिशन की तरफ से दे आर लुकिंग फॉर एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटर्न ये 23 थ्री और ट्वेंटी फोर पास आउट के लिए है यहाँ पे छः महीने की इंटर्नशिप होने वाली है जहाँ पे आपको स्टाइपन मिलेगा 20,000 से 25,000 पर मंथ अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको प्रीप्लेसमेंट ऑफर भी मिलेगा क्या कलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो देख लेते हैं आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डीप लर्निंग वैसे फ्रेशर के लिए पर ये लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ें आपको आनी चाहिए यू शुड भी एक्सपीरियंस विद डीप लर्निंग कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग यू शूड भी हाईली कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन रिफाइनमेंट एंड वैलिडेशन ऑफ मशीन लर्निंग एलगोरिथम फॉर प्रोडक्ट एंड एप्लीकेशन यू शुड भी एक्सपीरियंस इन डीप लर्निंग फ्रेमवर्क जैसे पाइटॉक् हो गया टेंसर फ्लो हो गया आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग अच्छी अच्छी होनी चाहिए इसी के साथ साथ प्रॉब्लम सोल्विंग स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए यू शूड हैवेग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल ऑर्गनाइजेशन स्किल्स विद डिस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एनालिटिक माइंड एंड अ प्रो एक्टिव इन नेचर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए ओवरली और रिटर्न और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी अच्छी होने चाहिए अब इसी के साथ साथ ये तो बेसिक्स हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया कुछ और प्रेफर्ड स्किल्स ये लोग कह रहे हैं कि यू शुड बी एक्सपीरियंस विद एन एल पी एल एल एम टेक्स एनोटेशन और इनफॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन यू शुड हैव नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन लार्ज डेटा सेट एंड एक्सपोज टू मॉडल डिप्लॉयमेंट इन एंड्रॉयड और क्लाउड ये सारी चीज़ें मतलब अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जा रहे हो तो कुछ बेसिक्स तो अपने को पता होना चाहिए बाकी स्किल लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप जाकर चेकआउट कर सकते सो so, अगली जो अपॉर्चुनिटी वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी है जो है जियोपिट्स की तरफ से दे आर लुकिंग फॉर ए डेटा बेस् एडमिनिस्ट्रेटर फ्रेशर तो देखो यार ये कंपनी क्या करती है ये कस्टमाइज माइक्रोसॉफ्ट एस क्यू एल सर्वर सोल्यूशन बनाती है बिजनेस के लिए तो यहाँ पे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं एलिजिबिली क्राइडेरिया बेसिकस है कि आपके पास एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड फील्ड अगर वो नहीं है तो आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेट होनी चाहिए कैन ऑल्सो भी कंसिडर इन प्लेस ऑफ डिग्री डेमानस्ट्रेटेड एक्सपीरियंस वर्किंग विद माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्व इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन कन्फिग्रेशन मैंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग होना चाहिए आप प्रोफेशनसी होनी चाहिए आपके पास एसक्यूएल प्रोग्रामिंग की और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की आपको फेमुलरिटी होनी चाहिए डेटा बेस मॉनिटरिंग की औरफॉर्मेंस ट्रेनिंग टूल्स की यू शुड हैव स्ट्रॉ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा बेस बैकअप एंड रिकवरी प्रोसीजर यू शूड हैव नॉलेज ऑफ डेटा बेस सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस एक्सेलेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एनालिटिक स्किल्स आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए टू कोलेबरेट विद डेटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड आई टी टीम इफेक्टिवली एबिलिटी टू वर्क इन फास्ट पेस एनवायरमेंट एंड हैंडल मल्टीपल टास्क हाइमेंटेनियसली बाकी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप चेकआउट कर सकते सो अगली जो इंटर्शि है वो है सिस्को की तरफ से सिस्को इज लुकिंग फॉर इन डेटा साइंस एनलिस इंटर्न इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं यू शुड भी एक्सपीरियंस इन डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स जीरो से दो साल का एक्सपीरियंस है मतलब आप समझ सकते हो कि फ्रेशर के लिए भी एलिजिबल है ये यू शड हैव द एबिलिटी टू वर्क क्रॉस मंशनली एंड आई यू मस्ट है वेरी स्ट्रॉग यू मस्ट भी वेरी स्ट्रॉन्ग इन बिजनेस एनालिटिक्स प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपका सर्विस में है विल बी वेरी हेल्पफुल और एक्सपोजर टू ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डेटा यू शुड हैव यू शुड भी स्ट्रॉग इन ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल डेटा एनालिसिस आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए यूजिंग स्टेटिस्टिकल कंप्यूटर लैंग्वेज जैसे आर हो गया पाइथन हो गया एक्सेट्रा टू मैनिपुलेट डेटा एंड ड्रॉ इनसाइट फ्रॉम लास्ट डेटा साइड क्योंकि ऑब्वियसली डेटा साइंस एनालिस्ट है तो वो तो होनी चाहिए अपने साथ आपको नॉलेज होना चाहिए वैराइटी ऑफ मशीन लर्निंग टेक्निक्स का जैसे क्लस्टरिंग हो गया डिसीजन ट्री हो गया आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो गया एसेट्रा और रियल वर्ल्ड एडवांटेज और ड्रॉबैक्स भी पता होना चाहिए यू शुड हैव नॉलेज ऑफ एडवांस स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट लाइक रिग्रेशन प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल टेस्ट एंड प्रॉपर यूसेज एक्सेट्रा और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए उसके एप्लीकेशन के साथ साथ बाकी डिटेल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो तो मेरे को यार ना काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि सुमेर भाई प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी तो बहुत सही लेकिन क्या होता है ना सुमेर भाई सही बता तो हमारी तैयारी नहीं हुई है तो जाए भी तो जाए क्या आप मुँह उठा के तो जाना नहीं है हमें तो आपकी ना प्रॉब्लम मैं समझता क्योंकि प्रॉब्लम मैंने फेस की थी तो जब मेरे को मेरे लोगों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है तो मैंने कोर्स बनाया था बीस से पच्चीस वीडियो का एप्टीट्यूड कोर्स करके और तब ना उसमें मैंने बेसिक से एप्टीट्यूड डाल दिया था पर मैं वहाँ तक रुका नहीं मैंने उस कोर्स को कंटिन्यू किया उसको अपग्रेड करते गया तो उसमें फिर हमने रीजनिंग लाया किसी और की हेल्प लेके उसमें वो भी वीडियोस लाए फिर मैंने उसमें नोट्स डाले फिर उसमें हम लोग ने प्रैक्टिस प्रॉब्लम डाला फिर उसमें ना कंपनीज़ के मॉक टेस्ट भी डाल दिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए और मस्त कोर्स बन गया जिसको हज़ार से डेढ़ हज़ार लोगों ने ले लिया और मस्त से अपनी तैयारी कर रहे पर आपका भाई ये वहाँ तक थोड़ी रुकता है मेरे को तो अपने लोगों को क्वालिटी इम्प्रूव करते जाना है ना तो अभी हम लोग ने क्या किया है मैंने खुद एच आर इंटरव्यूज का पूरा कोर्स बनाया है मेरा जो को फाउंडर है अद्वेद उसने हाउ टू क्रैक टेक्निकल इंटरव्यू का पूरा कोर्स बनाया है और दोनों कोर्स इंडिविजुअली भी आप देखो तो वो हज़ार हज़ार रुपये के कोर्स हैं पर उस कोर्स को भी हम इसमें इंक्लूड करने वाले हैं करंटली जो हमारा एप्टीट्यूड कोर्स की प्राइस है वो है सेवन नाइन नाइन पर जैसे ही वो इंक्लूड हो जाएगा भाई तो फिर सीधा वो डबल हो जाएगा पंद्रह सौ रुपये तक चला जाएगा तो आप चाहते हो कि आप सेवन नाइन नाइन में ये सारी चीज़ें ले लो तो जल्द से जल्द आप उसमें अप्लाई कर सकते हो कोर्स को ले सकते हो आपके अच्छे से प्लेसमेंट की तैयारी हो जाएगी तो अगली जो अपॉर्चुनिटी वो है एसेंचर की तरफ से इनका है एसेंचर इनोवेशन चैलेंज 2023 देखो यार इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है फिफ्टी सेप्टेम्बर उसके पहले आपको अप्लाई करना है रिवॉर्ड्स क्या क्या है मैं बता देता हूँ रिवॉर्ड्स है कि विनर जो फर्स्ट विनर होगा उसको मिलेगा वन लाख रुपीज़ पर टीम मेबर इसके साथ साथ जो रनर अप होगा फर्स्ट रनर अप होगा उसको मिलेगा सेवेंटी फाइव थाउजेंड पर टीम मेंबर सेकंड रनर अप होगा उसको मिलेगा फिफ्टी थाउजेंड पर मतलब टीम मेंबर जूरी चॉइस जो होगा उसको मिलेगा थर्टी फाइव थाउजेंड पर टीम मेंबर नेक्स्ट सिक्स जो होगा उसको मिलेगा ट्वेंटी थाउजेंड पर टीम इसी के साथ साथ फास्ट ट्रैक इंटरव्यू अपॉर्चुनिटी में मिलेगी टू ऑल द एलिजिबल्स एज पर इनके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के क्राइटेरिया के साथ पार्टिसिपेंट हु वुड सबमिट देयर इनोवेटिव आइडियाज एलिजिबल पार्टिसिपेंट विल रिसीव एन कम्युनिकेशन अबाउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर फ्रॉम मैसेंजर मतलब आपको ई मेल आएगा कि भाई क्या हुआ आपको किस तरह से रिक्रूट होगा रोल कौन सा ऑफर किया जाएंगे एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विस सॉफ्टवेयर सर्विसेज एसोसिएट्स जो ये प्रॉपरली एंट्री लेवल के लिए जो हायर करती है एसेंचर वो रोल्स आपको मिलेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या देख लेते हैं एसेंचर इनोवेशन चैलेंज जो है इज ओपन टू अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट करंटली फुल टाइम स्टूडेंट ऑफ ऑल ईयर अक्रॉस ऑल इंस्टीट्यूट इन इंडिया पार्टिसिपेंट कैन रजिस्टर इंडिविजुअली और इन टीम विद एटमोस्ट फोर मेम्बर्स द टीम मस्ट स्ट्रिक्टली कंप्राइज ईदर ऑल इंजीनियरिंग ऑल नॉन इंजीनियरिंग और ऑल बी स्कूल स्टूडेंट दैट इज अ टीम कै नॉट हैव एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट अलॉंग विद अ नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट एज मैम्बर मतलब आप इंजीनियर के बंद और एमबी वाले को भी अपने साथ ले रहे तो नीचेगा भैया क्रॉस स्पेशलाइजेशन अलाउड है कि मैकेनिकल वाले सिविल वालों को अपनी टीम में ले रहे हो चलेगा क्रॉस ईयर भी अलाउड है कि सेकेंड ईयर इंसान है फाइनल ईयर के इंसान के साथ कोलाबरेट करा चलेगा क्रॉस कॉलेज टीम भी अलाउड है कि भाई सें जोन्स का बंदा ठाकुर कॉलेज वाले के साथ कोलाबरेट करके टीम बनाना तो भी चलेगा स्टूडेंट कैन भी पार्ट ऑफ ओनली वन टीम एक खैर मै ऐसा नहीं क्या है मैं तो टैलेंटेडेड हूं तुम्हारे चार टीम में आ जाऊंगा ऐसा नहीं चलेगा एक टीम में आप रह सकते हो कोई भी डेविएशन अबाव जो रूल्स है उसमें से आप इधर उधर कहीं भी हिलते हो तो आपको इमीजिएटली डिस्कवालीफाई किया जाएगा दिस ईयर यू वुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू कंप्लीट एट जोन लेवल टॉप एंट्री फ्रॉम ईच जोन विल स्टैंड अ चांस टू कम्पीट एट द ग्रैंड फिनल मतलब भाई पर्टिकुलर एरिया वाइज एक कराया जा रहा है जैसे नॉर्थ एंड ईस्ट का एक जोन होगा तमिलनाडु एंड पाण्डिचेरी का एक जोन होगा आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना का एक जोन होगा वेस्टर्न सेंट्रल का एक जोन होगा एंड कर्नाटक एंड केरला का जोन होगा बाकी सारी डिटेल्स आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा कैसे होगा सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो सो so, अगली जो इंटर्नशिप है वो है स्पाइकवेल की तरफ से ये एक ऑन साइड इंटर्नशिप है जो है भुवनेश्वर इंडिया में दे आर लुकिंग फॉर एस डी इंटर्न ये इमिजिएट ज्वाइनिंग है और एक साल की आपको इंटर्नशिप होने वाली है बीस हज़ार रुपये आपको स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चलो देख लेते हैं एलिजिबिलिटी है कि बी टेक इन सी ई सी या फिर आई टी बी सी एम सी ए पास आउट इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री

इसमें जो भी इंसान जीतता है जो टीम जीतती है उनको एक लाख रुपये मिलेगा साथ में प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू मिलेगा इसी के साथ साथ इधर तक नहीं टॉप टीम को भी प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू का मौका मिलेगा तो भाई जॉनसन एंड जॉनसन के साथ काम करने का मौका मिल रहा है देख लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एलिजिबिलिटी है कि आप इंजीनियरिंग कॉलेज से होने चाहिए थर्ड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट फ्रॉम ऑल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट स्ट्रीम है प्रोडक्शन मैकेनिकल मेकेट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटल केमिकल ठीक है भाई Uh, बी मतलब स्कूल्स के लोग अवेलेबल एलिजिबल है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट पर्सन फुल टाइम एम बी ए पी जी डी में प्रोग्राम फ्रॉम ऑल कॉलेजेस अक्रॉस इंडिया आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट स्टूडेंट मस्ट रजिस्टर इन टीम ऑफ टू मेंबर विद एटलीस्ट वन फीमेल मेंबर क्रॉस स्पेशलाइजेशन टीम्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट क्रॉस स्पेशलाइजेशन मतलब आप एक मैकेनिकल के ब्रांच से हो और आप एक सिविल या है दूसरे ब्रांच से इंसान के साथ कम्युनिकेट करना मतलब साथ में टीम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो इतना क्लियर है क्रॉस ईयर टीम फॉर्मेशन इज नॉट अलाउड क्या सेकेंड ईयर के बंदे हो थर्ड ईयर के साथ टीम बनाना चाहते हो तो अलाउड नहीं है ओपन टू ओनली फुल टाइम स्टूडेंट जो पार्ट टाइम इसको कर रहे हैं मतलब तो आप के लिए नहीं है फुल टाइम के लिए विनर बताया गया कि एक लाख रुपया मिलेगा साथ में प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू मिलेगा उसके साथ टॉप टेन टीम्स को भी प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू मिलेगा उसके साथ अलावा जो टॉप टाइम आता है फाइव स्टैक को पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिलने वाला है और लोगों को मेंटरशिप भी मिलने वाली है फ्रॉम इंटरनेशनल सीनियर लीडर फॉर थ्री मंथ्स इसको किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो सारी चीज़ें आपको नीचे लिंक मिलेगी उसमें आप चेकआउट कर सकते हो लास्ट डेट है वो है ट्वेंटी अगस्त तो, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो तो so, अगली जो इंटर्नशिप है वो है प्रतिलिपि की तरफ से दे आर लुकिंग फॉर एन एंड्रॉइड डेवलपर इंटर्न जहाँ पे आपको स्टाइपेंड मिलेगा फिफ्टी थाउजेंड पर मंथ ये इंटर्नशिप तीन महीने की होने वाली है और अगर आप सही अच्छे से परफॉर्म करते हो तो आपको फुल टाइम के लिए भी हायर कर सकते हैं लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि आप दो हज़ार तेईस की ग्रेजुएट होनी चाहिए प्रोफेशनस इन कॉटलिन एंड्रॉइड जेट पैक एंड अदर आर्किटेक्चर कॉम्पोनेंट्स आपको आने चाहिए डिजाइन पैटर्न आना चाहिए जैसे एम और एम है मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए रूम डी पी पता होना चाहिए रिमोट डेटा इंटरेक्शन बाय रेस्ट एंड जिसम को आपको आना चाहिए यू शुड है यू शुड बी गुड टू हैव सिंपल डेटा सेचन एल्गोरिथम अंडरस्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग डिजाइन इंटिवेशन एंड यूजर एम्पति शुड बी अवेयर ऑफ फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इन द एंड्रॉड इकोसिस्टम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कम्पोज क्यूरियासिटी टू लर्न वी प्रेफर पीपल हु आर हाईली एक्सपेरिमेंटल एंड विलिंग टू टेक रिस्क देखो भैया बाकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आप चेकआउट कर सकते हैं सो so, अगली जो अपॉर्चुनिटी वो है डी शो की तरफ से डी शो एंड को की तरफ से जहाँ पे एक प्रोग्राम है जिसको कहते हैं डेसिज एसकेंड एडुकेयर प्रोग्राम यहाँ पे आपको इस कंपनी में प्रॉपरली सीखने मिलेगा ट्रेनिंग मिलेगी लर्निंग मिलेगी कोचिंग मिलेगी मेंटोरशिप मिलेगा और इसी के साथ साथ आपको स्टाइपेंड भी मिलेगा तो यहाँ पे स्टाइपेंड मिलने वाला है वो है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ पर ये पूरी ड्यूरेशन का है ड्यूरेशन होने वाला है अक्टूबर 2023 से मार्च 2024 तक और बहुत कुछ सीखने मिलने वाला तो भाई उत्ता तो बनता है जाना इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है थर्ड सेप्टेम्बर पर सुमेर भाई कौन कौन एलिजिबल है चलो देखते हैं सो so, ये प्रोग्राम है दिस प्रोग्राम इज ओपन टू वुमेन स्टूडेंट्स हु आर एनरोल इन फुल टाइम कोर्स एंड मीट वन ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन से कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चलो देख लेते हैं कि आप सेकंड ईयर या फिर थर्ड ईयर स्टूडेंट होने चाहिए बी टेक बी ई प्रोग्राम से आप सेकंड ईयर स्टूडेंट होने चाहिए ब सी ए प्रोग्राम से इसके साथ आप थर्ड ईयर या फिर फाइनल ईयर स्टूडेंट हो फाइव ईयर डूल डिग्री प्रोग्राम के तो भी आप एलिजिबल हो जो कि बी टेक बी ई प्लस एम टेक होता है या फिर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो एम टेक एम एस या फिर एम सी ए प्रोग्राम के तो आप एलिजिबल हो Student must demonstrate excellence in academic or professional pursuit. In addition, they should have an interest in finance and technology, and be curious to learn more about our firm. So, eligible. Hai. बाकी सारी डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट है थर्ड सेप्टेबर तो उसके पहले अप्लाई करना थोड़ा और जाके डिटेल में पढ़ो पूरा एक पी है इनका पर अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो आपको चेकआउट जरूर करना चाहिए तो ये थी भाई आज की वीडियो मुझे आई होप कि आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सही लगी रहेगी इसी के साथ साथ और ऐसी अपॉर्चुनिटी और डेली प्लेसमेंट के लिए जॉब अपडेट्स के लिए अगर आप चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है प्लेसमेंट की तैयारी करना चाहते हो तो आप हमारा एप्टीट्यूड कोर्स चेकआउट कर सकते हो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक टारगेट पंद्रह उसको पूरी करो और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद ख्याल रखो अपना